ये क्या कर रहा है? नया 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 सीख रहा है अभी। अंकल वाली जैकेट पहनी है। किसने? प्रतीक ने, तुषार ने? वो तो बच्चों वाली पहन रहा है। कैसे राइडर है ये? बच्चा राइडर, बर्गर राइडर, बेकार राइडर। भाई देखो आपके फैंस आ चुके हैं। हेलो भाई, हैप्पी बर्थडे। गोगा नाच के तो दिखा। हाँ क्यों नहीं, जरूर। मेरा बर्थडे इतना तो करना पड़ेगा तेरे को। मैं कर लूंगी लेकिन बाद में। हो, टाइम हो गया है 7:30, मैं हो गया हूँ 10 मिनट लेट। पर आप वेदर देखो एक बार, ओए होए, हल्की हल्की ठंड हो गई है, पैरों में भी ठंड लग रही है। पर मैंने मोटे वाले ग्लव्स पहन लिए तो अब ठंड लगने का मतलब ही नहीं, पर पैरों में तो अब भी हवा लग रही है भाई, हवा लग रही है। और देखो सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, बाकी सरसों के खेत एकदम अच्छे वाला माहौल बन गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ बर्गर राइडर अपना प्रतीक परमार उसके पास, फिर वहाँ पे मेरे को मिलेंगे जतिन और तुषार जो कि अपने घर से निकल चुके हैं। उसके बाद का जो प्लान है वो अभी डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। एक्चुअली हुआ क्या था, कल रात को ना फ़ोन पे बात कर रहे थे ऐसे मज़े में, और मज़े में प्लान बन गया। तो सब बोले कि भाई तेरा बर्थडे है तो चल सुबह सुबह ना राइड पे चलते हैं। तो प्लान था सुबह 6 बजे का कि भाई 6 बजे घर से निकलेंगे, पर आपको पता ही है दिल्ली की सर्दी, तो ऐसे ही थोड़ा सा लेट होते गए और मज़े में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए। तो चलो मैं एक बात बताता हूँ बर्गर राइडर के बारे में। कुछ साल पहले ये पतला सा होता था एकदम, मतलब 7-8 साल पहले की बात है, एप्स वेप्स थी, सही फिट था। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो जैसे वो होता है ना कि भाई मैकडी के जो आलू टिक्की होती है ना, मैकडी का वो पतला सा बर्गर, ये वैसा सा था। फिर इसने दबा दबा के बर्गर खाए और फिर ये मैकडी का महाराजा, वो मोटे वाला बर्गर होता ना वैसा हो गया, 108 किलो का। बाकी अपना भाई काफ़ी मेहनत कर रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है स्टार्टिंग में। तो आप एक बार है ना भाई के चैनल को देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे, भाई के व्लॉग्स अच्छे लगे, तो आप भाई को फॉलो भी कर लेना। अपना ही भाई है भाई, थोड़ा सा प्यार तो दिखाई दो भाई को। बाकी जतिन और तुषार पहुँच गए हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं और मैं स्पेशली लेट हो गया हूँ इस बर्गर राइडर के चक्कर में, वरना मैं तो सबसे पहले ही पहुँच जाता हूँ। पर कोई नहीं, 2-4 मिनट वो भी वेट कर लेंगे। ओए मोटे, हमारे दिन कब आएंगे, हम कब लेंगे सुपर बाइक भाई? कम है क्या? कम ये कम ही है। अरे कम तो ये वाली भी नहीं है सुपर बाइक। ओए होए होए होए, सेक्सी 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 सेक्सी। ओ डोमिनार भी है। आज के जमाने में भी बाप के जमाने के बच्चे हैं ये। बताओ लोकेशन कहाँ भेजी, पहुँच कहाँ गए? अब मतलब तुषार और जतिन हमसे 5 किलोमीटर आगे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए इनको, गूगल मैप यूज करना नहीं आता यार। चलो कोई ना, सीख जाएंगे। अब फटाफट पहुंचते हैं उनके पास। ओए 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 भाई, हैप्पी बर्थडे। आई मेरा बर्थडे आज, विश करो मेरे को। अरे फॉर्मेलिटी बस छोड़ दिया, हैप्पी बर्थडे। इसका कोई बर्थडे नहीं है, झूठ। ये देखो इधर, सस्ता राइडर, बर्गर राइडर दिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और देखिए कैमरा मुझे मिला है, बिल्कुल अच्छे से इफेक्ट आएंगे। क्या प्रोग्राम है बताओ? अब क्या प्लान है? मास्क लगाओ और हमें खाना खिलाओ। चले भाई, आज एक्सीडेंट हो गया, निमानी भी। ओ यार तू शुभ शुभ बोल रहे, किसने पकड़ लिया? तो फाइनली डिसाइड हो चुका है, हम जा रहे हैं रिसाइकल कैफे जो कि यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। ये देखो लड़का नई बाइक चला रहा है प्रतीक की। उड़ मत जाइयो। लो भाई रिसाइकल कैफे आ गए हम, तो पार्किंग कर देते हैं अपनी बाइक की अच्छी सी जगह पे कहीं देख के। तो जतिन कैसा लग रहा है? पकड़ ली। पकड़ ली।
तो ये है रिसाइकल कैफे। बकवास मत मार यहाँ। पैसा बहुत है। ये देखो हार्ली 350 नहीं आई है मार्केट में। कैसी लग रही है बताना एक बार। एक काम कर भाग के जा और उस पे वो करियो बास्केट। हाँ मैं अच्छा करूँ। हम मेरी बारी रुक जाते। हमें इसके रूल नहीं पता, हम अपने खुद के रूल बनाएंगे। बोल। 5 आउटर पे, 10 इसके अंदर वाले पे, 15, 20, 25, 30। ठीक है तो देखते हैं कौन जीतेगा। तुषार कम पॉइंट लियो भाई प्लीज। ये भाई रुक जाओ साइड हो। इसको आता है? ना ना। 15? हाँ। 5, 10, 15, 20, 25। 25, 50 और 15, 65। ला मेरी बारी। बिट्टू के बाद मेरे बाद। अब जतिन की बारी है। ओ लड़के फायदा नहीं है कोई। क्यों बे? चल चल। वो पॉइंट के हम रखे ना वहाँ के हमने। अरे जतिन एक वापस उठा। 55। 55 तो जतिन के पॉइंट भी हुए 55। पच्चीस। हाँ नहीं, हाँ तेरे मेरे बराबर हुए ना। 15, 25, 25। मेरे 65 थे। दूर दूर थे बट हमारे अलग पॉइंट का हिसाब है। बहुत बढ़िया। तो हमारे 50 हार चुके हैं। हार चुका बेचारा, हार गया। एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे। हाँ उसके अलग ही पॉइंट है। माइनस पचास। काफी है अब विनर का कंसोलेशन प्राइज देते हैं ये। और मुझे सेकंड प्राइज मिलते हो। अरे हैप्पी बर्थडे में ही दफे अपने पास रख इसको। पकड़ो यार, पकड़ो। तू भी पकड़ अपना। तो जो हमारे बर्थडे का छोटा सा टाइम पास था वो हो गया है ख़त्म। तो भाई फाइनली आज की संडे राइड होने वाली है। एंड होने क्या वाली है, तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। राइड कम थी लेकिन थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया आज की राइड में, क्योंकि सिर्फ खाने का 500 रुपये खर्चा। अच्छा, और जो शॉपिंग करवाई है आपने सर बताएंगे वो सिर्फ 6000 रुपये की। सिर्फ 6000 की तो बर्थडे है मतलब भाई ठीक है पैसा है, लेकिन पैसा जमा किया था हमने राइड के लिए। अब राइड तो इनकी मेरे को लग रही है डामाडोल। शॉपिंग पहले करा रही है राइड के लिए कि भाई ये भी ले लो वो भी ले लो। और सस्पेंस है वो। अरे चलो छोड़ो यार, वो सारी बातें करते रहेंगे। अभी तो हैप्पी बर्थडे, बड़ा मजा आया तेरे बर्थडे मनाया भी। ठीक है वैसे बचा भाई, हैप्पी बर्थडे मैं भी करूँगा ऐसे कैसे भाई। हैप्पी बर्थडे डालू सर भाई का। हैप्पी बर्थडे आज इसको, इसके इंस्टाग्राम पे हैप्पी बर्थडे। लड़का 30 साल का हो चुका है अभी। लड़का नहीं रहा, एज नहीं बतानी थी भाई, पता नहीं है 30 साल का हो गया, देख लो बुड्ढा। तो इस वीडियो को मैं खत्म करते हैं। अगर किसी वजह से नहीं, इसके बर्थडे की वजह से और हमारी फालतू की शॉपिंग की वजह से अगर वीडियो पसंद आई हो, शॉपिंग की वजह से तुम्हें की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाय। हैप्पी बर्थडे बिट्टू भाई, गॉड ब्लेस यू। तेरा चैनल लाखों 100 लाख 3 लाख जितने भी लाख होते हैं सब्सक्राइबर आते रहे आते रहे।
और फिर हमारे पास डॉलर्स आएंगे। तो भाई ऐसा सब्सक्राइब कर देना यार, बिट्टू का बर्थडे, इसके बर्थडे के नाम की भीख दे दो दादा, इसके बर्थडे के नाम पे दो चार सब्सक्राइब बढ़ा देना। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।